मणिपुर में महिलाओं के साथ किए गए अत्याचार के खिलाफ जोहार सांस्कृतिक समिति ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। समिति के अध्यक्ष पूजा जंगपांगी के नेतृत्व में महिलाओं ने कहा कि मणिपुर हिंसा में आदिवासी महिलाओं पर जो अत्याचार किए गए हैं उसे संपूर्ण मानवता शर्मसार हुई है। महिलाओं को नग्न कर सरेआम घुमाए जाने से दुनिया भर में भारत की छवि धूमिल हुई है। जोहार समिति ने केंद्र व राज्य सरकार से मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने तथा दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की है। विषय ऐसा है कि हमारा जो मानवाधिकार है, एक विश्व में जो महिला का अपमान संदेश मणिपुर राज्य के तरफ 3 महीने से जो धधक रहा है, उसे पूरी हिंदुस्तान के महिलाओं का सम्मान भी उसमें विश्व में जो है एक गलत छवि जा रही है, उसके लिए हमने आज उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय गृह मंत्री केंद्रीय जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनजाति आयोग को हमने ज्ञापन दिया है कि महिलाओं का सम्मान और यह अमानवीय जो कृति हुई है उसके लिए यह जो जिन्होंने भी किया है वो कड़ी से कड़ी उनको दंड किया जाए और महिलाओं का जो सम्मान में ठेस पहुँचाए उसमें सुरक्षा की जाए हर स्तर पर। और जो ये मणिपुर की घटनाएं हो रही हैं और ये आदिवासियों के जो महिलाएं हैं उनकी जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है और जो उनको पूरे निर्वस्त्र करके रोडों में घुमाया गया है, ये बहुत अमानवीय है। हम इसके लिए ज्ञापन देने के लिए यहाँ जिला ये उपजिलाधिकारी के पास आए हैं, तो हमने भी इसके लिए ज्ञापन दे रखा है कि ऐसा न हो और इन हर महिलाओं असुरक्षित महसूस कर रही है जिस प्रकार ये महिलाओं के साथ ये घटनाएं हुई है। तो हम चाहते हैं राष्ट्रपति और हमारे आयोग और हमने गृह मंत्री को भी ज्ञापन दे रखा है, तो ये हम लोग विरोध करते हैं इसके प्रति। तो जैसा कि मणिपुर में हम महिलाओं के साथ हमारे बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया है कि मैं वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत रोना भी आता है, मुझे दुख भी लगता है। इसीलिए हम यहाँ आज जनजाति जितने जनजाति समुदाय से हैं, हम ये महामहिम राष्ट्रपति महामहिम जी को ज्ञापन दे, ये उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप भी एक महिला हैं, महिलाओं की पीड़ा को देखते हुए जिसने भी ये निंदनीय घटना की है उनको सख्त से सख्त सजा देने की कृपा करेंगे। CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।